नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। आज एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि डीसी का 1 एम्पियर एसी के कितने एम्पियर के बराबर होगा, तो आज इसके बारे में हम बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आप एनी टाइम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसके लिए कोई पेमेंट लगने वाला नहीं है। चलिए मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले है कि डीसी एसी का जो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर और ये है एसी में, ठीक है। और जो डीसी का 1 एम्पियर है इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है, पहले इसको हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीसी होती है, डीसी सप्लाई, वो स्ट्रेट में चलती है, किसी भी वायर या किसी भी सरफेस में स्ट्रेट में चलती है, ठीक है। केंद्र से या बाहरी आवरण से स्ट्रेट में चलती है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, डीसी इसमें क्या करेगी, स्ट्रेट में चलेगी। फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी मींस ऐसे ऐसे ये नहीं चलती, जिसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है कि हर एक क्षण, ठीक है, हर एक क्षण जो अपनी दिशा और मान बदलती रहे उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए, जैसे अभी यहां से जीरो से स्टार्ट किया, फिर मैक्सिमम, फिर सबसे माइनस में मैक्सिमम, फिर प्लस में मैक्सिमम, फिर माइनस में मैक्सिमम, ऐसे करते हुए फ्रीक्वेंसी चलती है। फ्रीक्वेंसी एक किसके लिए होता है, एसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए सप्लाई होता है, यानी डीसी के लिए हमें ध्यान नहीं देना है। डीसी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, सीधा स्ट्रेट, ठीक है। अभी हम एसी में कोई वायर लें, देखिए कोई वायर है, मैंने इसको ऐसा व्यू दिखाया, ये इसके केंद्र है, वायर के केंद्र। तो जो एसी सप्लाई होती है वो चलती है इसके ऊपरी परत से, ठीक है, वो केंद्र से नहीं चलती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि देखिए, जो एसी सप्लाई होती है, 1 एम्पियर और 1 डीसी एम्पियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एसी सप्लाई होती है हमेशा मान अपना घटाती बढ़ाती रहती है, और माइनस में भी मैक्सिमम और प्लस में भी मैक्सिमम होती रहती है, ठीक है। और डीसी सप्लाई तो स्ट्रेट चलती है, एकदम सीधी, इसका मान सदैव नियत रहता है, ठीक है। इसीलिए जब एसी में हम फेज और न्यूट्रल को लेते हैं, तो दो वायरों के बीच में ऐसा होता है कि एक बार क्या होता है कि न्यूट्रल में तो जीरो रहता है, पर एक बार क्या होता है कि इसमें फेज हो जाता है, इसमें न्यूट्रल, फिर इसमें फेज, इसमें न्यूट्रल, जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी पर ऊपर नीचे होती है, ठीक है, ऐसा होता है। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी के, देखिए एक में फ्रीक्वेंसी होती है और एक में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एक में फ्रीक्वेंसी 50 होती है, एक में जीरो होती है, यानी ये 1 सेकेंड में 50 बार यहां से लेके यहां, आपका जो यहां से यहां हुआ यह हुआ 1 बार, ठीक है, और जो फिर यहां से लेके यहां हुआ फिर हुआ 1 बार, ठीक है। तो ऐसे 1 सेकेंड में 50 बार कर रही है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए एक केंद्र, ये वायर का केंद्र है, ठीक है, केंद्र से ये जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर जीरो, इसको हम आवर्त काल में लेंगे तो एक हर टच के बराबर होगा, ठीक है, एक हर टच। एक बार प्लस में मैक्सिमम, एक इसको बोलते हैं हम भी मैक्सिमम, ठीक है, एक बार माइनस में मैक्सिमम, माइनस में भी मैक्सिमम, ठीक है। मतलब अगर वोल्टेज हो या करंट हो, अगर वो एक बार प्लस में मैक्सिमम जा रहा है और एक बार वोल्टेज में माइनस में मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एसी का जो है 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा होता है कि जब वो प्लस और माइनस में होता है, ऐसा इतनी स्पीड से होता है, 1 सेकेंड में 50 बार, सोचिए कितनी बड़ी स्पीड है, इतना बार होता है कि हमें नॉर्मल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको, उनके साथ हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। ये आपको स्पेशल इसके लिए मशीनें लगानी पड़ेंगी, इसको देखने के लिए, फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए। फ्रीक्वेंसी मीटर भी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर से ही माप सकते हैं कि कितने हर्ट्ज का वो है, जो कि मैनुअली भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक भी आता है। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए,
ये दोनों अगर फ्रीक्वेंसी के लेवल पे देखे जाए तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये भी अलग है वो भी अलग है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें है, इस वजह से दोनों अलग है। इनकी सप्लाई अगर देखी जाए तो एक एम्पियर जो होगी एसी में और डीसी के एक एम्पियर के बराबर होगी, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें है। इसका मतलब यह है कि जो इक्विपमेंट फ्रीक्वेंसी पे चलने वाले अगर उसको हम इस पे सप्लाई पे लगा दें तो नहीं चलेंगी, और जो इक्विपमेंट जो भी चीजें हैं जो इस पे डीसी पे चलने वाली है अगर एसी पे लगा दे तो नहीं चलेंगे। यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम ये बता दे सकते हैं, एक तुलना कर सकते हैं कि एक एम्पियर दूसरे डीसी के एक एम्पियर के बराबर ही होगा, ऐसा तुलना कर सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे के मतलब कि सामंजस्य में नहीं आते हैं। यानी दोनों में कोई ये नहीं है कि दोनों एक ही परिवार के हैं, एक करंट है बट इसमें फ्रीक्वेंसी ना है और है, दोनों में अंतर है, एक में फ्रीक्वेंसी जीरो है एक में है। तो फ्रीक्वेंसी जो जो चीजें फ्रीक्वेंसी की वजह से चलने वाली हैं वो तो नहीं चलेंगी डीसी में, और जो चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रेट में उनको करंट चाहिए रहता है, मान घटना बढ़ना नहीं चाहिए, वो फिर एसी से नहीं चलेंगी, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, आप एक तुलना करके बता सकते हो कि दोनों बराबर है अलग चीजें, ठीक है। तो हम ऐसे बोलने के लिए तो कह सकते हैं कि एसी का एक एम्पियर डीसी के एक एम्पियर के बराबर होगा, बट उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ऐसा ही हम कर सकते हैं, जैसे अगर 12 वोल्ट हमें एसी सप्लाई डायरेक्ट बैटरी को दे दिया जाए तो बैटरी खराब हो जाती है, ठीक है, बट अगर ऐसा करें कि हम डीसी के किसी डीसी सप्लाई को अगर हम एसी की जगह 240 वोल्ट अगर दे के चलाए तो वो भी इक्विपमेंट खराबी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि डीसी और एसी दोनों अलग चीजें हैं, भले उसमें करंट ही है बट दोनों अलग चीजें हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उसको दोबारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।